हे गाइस, मैं हूं बोलिन। आप देख रहे हैं बोलिन जी। स्वागत है आप सभी का मेरी ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल सीरीज में। ये सीरीज स्पेशल है उन लोग के लिए जो कि हैं पोके गेमिंग ट्यूबर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे बना सकते हो पोकेमोन गेमिंग लेआउट्स, वो भी अपने एंड्रॉइड डिवाइस में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं आपको लेआउट का एग्जांपल दूंगा रूबी से, यानी कि मैं पोकेमोन रूबी का लेआउट बनाऊंगा और आप उसी स्टेप को फॉलो करके और भी गेम्स के लेआउट बना सकते हैं। तो पूरा लेआउट बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टेप नंबर 1 पे मूव करते हैं। सो गाइस, स्टेप नंबर 1 है, आपको डाउनलोड कर लेने हैं कुछ एप्लीकेशंस, एक जिप फाइल और कुछ इमेजेस। तो आपको जो एप्लीकेशंस डाउनलोड करने हैं उनकी लिस्ट ये रही। आपको चाहिए पिक्सल लैब एप्लीकेशन, बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन और जेड आर्काइवर एप्लीकेशन। उसके साथ आपको चाहिए एक जिप फाइल जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है लेआउट बाय बोलिन जी, तो आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको कुछ इमेजेस चाहिए, वो इमेजेस बहुत ही सिंपल है, आपकी बैकग्राउंड रहने वाली है आपके लेआउट की, तो वो मैं आपको एडिट करते वक्त आपको वो चीज़ समझा दूंगा। तो अभी मूव करते हैं स्टेप नंबर 2 पे। तो गाइस, स्टेप नंबर 2 में आपको अपना जेड आर्काइवर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में आ जाना है। डाउनलोड्स के फोल्डर में आते ही मैंने आपको कहा था लेआउट बाय बोलिन जी नाम की आपको जिप फाइल डाउनलोड करनी है। आपको क्या करना है, सिंपली उसको क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी, उसमें से कुछ जेपीजी और पीएनजी निकलेंगी जो लेआउट को बनाने में काफी इजी पड़ेंगी। अब मूव करते हैं हम लोग थर्ड स्टेप पे। तो गाइस, स्टेप नंबर 3 में आपको अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। उसे ओपन करने के बाद गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ इमेजेस डाउनलोड करनी है स्टार्टिंग में, मैंने कहा था तो वो इमेजेस है कोई भी गेम की बैकग्राउंड। अगर आप क्रोम पे सर्च करोगे पोकेमोन रूबी बैकग्राउंड, पोकेमोन फायरेड बैकग्राउंड, आपको काफी अच्छी इमेजेस आ जाएंगी। आपको सिंपली उन इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है, वही आपके लेआउट की मेन इमेज रहेगी। अब आपको क्या करना है, आपने अगर एक बार वो इमेज डाउनलोड कर ली, आपको सिंपली उस इमेज को डाल देना है। तो मैंने इसे डाल दिया और ये मैंने फुल स्क्रीन सेट कर दिया, तो ये एकदम परफेक्ट स्क्रीन आ गई। अब अगला स्टेप है, हमको इसमें अपना गेमिंग सेक्शन ऐड करना है। गेमिंग सेक्शन ऐड करने के लिए गाइस, मैंने आपसे एक फाइल एक्सट्रैक्ट करने को कही थी, आपने जब उसको की होगी तो उसमें से कुछ और भी इमेजेस आई होंगी। तो उसमें गेमिंग की स्क्रीन भी रहेगी जिसको मैंने एकदम परफेक्ट साइज में दिया। अब मैं आपको गाइस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप प्लीज गेम को उसके एक्चुअल साइज में खेलिएगा जो माय बॉय आपको रिकमेंड करता है उसी साइज में, ना कि आप फुल स्क्रीन में। फुल स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि स्क्रीन की प्रॉब्लम सेट करने में और भी काफ़ी चीज़ें होती है, तो वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में उसका भी ट्यूटोरियल दे दूंगा। सो आप क्या कीजिएगा, जो आप ये गेमिंग स्क्रीन ऐड करोगे आपको सिंपली एकदम कॉर्नर में कर देना है। फिर आपको क्या करना है, इसका पोजीशन आपको चेंज कर देना है। तो इसका पोजीशन आपको थोड़ा अपने हिसाब से सेट कर लेना है जैसा आपको चाहिए, और इसका साइज भी। तो मेरे को साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा परफेक्ट कर देता हूँ। आप भी मुझे फॉलो कीजिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका गेमिंग स्क्रीन परफेक्टली ऐड हो जाएगा। इसी तरह मैंने अपना गेमिंग स्क्रीन ऐड कर लिया। अब आप क्या कीजिएगा, जैसे आप उसे परफेक्ट अपने जगह पर रख दे या पोजीशन में ला दे, उसको आपको स्ट्रोक दे देना है ब्लैक कलर का। स्ट्रोक आप कितना भी दे सकते हो, उसकी इंटेंसिटी कितनी भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब अगला स्टेप है आपको पोकेमॉन सेक्शन ऐड करने। तो आपको पोकेमॉन सेक्शन ऐड करने के लिए फिर से अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में चले आना जैसा मैंने आपको कहा था, और उसमें पोकेमॉन सेक्शंस के लिए भी मैंने आपको काफ़ी सारी इमेजेस दी। आप काफ़ी टाइप के लेआउट बना सकते हो वो जिप फाइल की मदद से, काफ़ी मेहनत से मैंने बनाई है। तो प्लीज़ आप इस स्टेप को फॉलो कर लीजिए। आप देख सकते हैं मैं ऐसी कुछ पोकेमॉन सेक्शंस ऐड करूँगा जो कि काफ़ी अच्छे लगेंगे। अब मैं इसका ऐसे मैंने कर दिया, अब आप गाइस देख सकते हो पोकेमॉन सेक्शन इस तरीके से ऐड हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने पोकेमॉन सेक्शंस को उनकी पोजीशन में ला दिया है। अब मैं गाइस आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आप उसको स्ट्रोक दे देना, उससे क्या होगा थोड़ा सा लगेगा कि पोकेमॉन सेक्शन जैसा है, नहीं तो मैंने जैसा आपको दिया वो थोड़ा कम है। अब ऐसे आप सेट कर लोगे तो वो हो जाएगा परफेक्टली। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है गाइस, आपको ऐड करना है पोकेमॉन जो भी आप खेल रहे जिस गेम का उसका लोगो। जैसे मैं अभी पोकेमॉन रूबी का लेआउट बना रहा हूँ, तो मैं पोकेमॉन रूबी का जो लोगो होगा मैं उसे अप्लाई करूंगा। आप देख लीजिए, आप भी ऐसे अप्लाई करिएगा। तो मैंने वो लोगो डाउनलोड किया है, अब मैं सिंपली इसको ऊपर ऐड कर दूंगा। इससे ऑडियंस को पता चलेगा कि आप कौन सा गेम खेल रहे हो।
हाँ भाई, एक बार आप ये इमेज को सेट कर दो सही से, आप इसे स्ट्रोक दे देना और अपने हिसाब से डेकोरेट कर देना। अब मूव करते हैं अगली बात पे। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको उसके बाजू में एक पोकेमॉन ऐड करना है, वो आपकी मर्जी आप कौन सा ऐड करो, बट मैं रिकमेंड करूँगा जो गेम का मेन पोकेमॉन है आप उसे ही ऐड करो। जैसे पोकेमॉन रूबी का मेन पोकेमॉन ग्रोडॉन है तो मैं उसे ही ऐड करूँगा। तो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से उसे ऐड करना है। आपको एग्जैक्टली उसके बाजू में आपको उसे ऐड करना है, जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा देखने में और ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगा वो। तो कुछ इस तरीके से आप सेट करना और उसको बैक रख देना। हो सके तो गाइस आप उसे भी स्ट्रोक दे देना, थोड़ा और अट्रैक्टिव हो जाएगा वो। और इस तरीके से आप उसे स्ट्रोक देकर काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हो। अब आप गाइस देख सकते हो ये जो लेआउट है ये ऑलमोस्ट कम्प्लीट ही हो गया, और कोई चीज़ की मेरे को लगता कोई ज़रूरत है। तो आप ऐसा कीजिए, आपका वंस ये एक बार हो जाए आप सिंपली उसे सेव कर लीजिए। इमेज को सेव कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है, हम मूव करते हैं अपने अगले स्टेप पर। सो गाइस मूव करते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 पे आपको क्या करना है, आपको अपना बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। उसे ओपन करने के बाद आपको अपनी इमेज लोड कर लेनी है। तो आपको कौन सी इमेज सिलेक्ट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने बनाई होगी ये लेआउट इमेज, आपको उसे ही सिलेक्ट कर लेना है। उसे सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको ये ऑटो नाम का जो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको उसे क्लिक कर लेना है और उसे 50% कर देना है। उसके बाद आपको ये पूरी स्क्रीन को क्लियर कर देना, जो पूरी वाइट इमेज को क्लियर कर देगा, और फिर आपको सिंपली सेव कर देना है इमेज को। और यहीं पे गाइस हमारा कंप्लीट हो जाता है फोर्थ स्टेप। चलते हैं हम लोग अगले स्टेप के ऊपर। सो गाइस फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप में आपको क्या करना है, आपको अपने पोकेमॉन सेक्शंस के लिए पोकेमॉन का बैकग्राउंड इमेज बनाना है। मैं बताता हूँ उसे आपको कैसे बनाना है। आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। अब गाइस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं गेम खेल रहा था तो मैंने ग्रूडॉन को पकड़ा, उस वक्त मुझे ग्रूडॉन को ऐड करना पड़ेगा। तो ग्रूडॉन को ऐड करने के लिए आपको ग्रूडॉन की वो इमेज चाहिए रहेगी। तो मैं बताता हूँ आप उस इमेज को कैसे बना सकते हो। पहले आपको अपनी इमेज साइज को परफेक्टली सेट कर लेना। आप यही साइज को सेट कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने मेरी तरह एग्जैक्ट सेम लेआउट बनाया तो आप ऐसे कीजिए। उसके बाद आप कलर दीजिए उस इमेज को, आपको कौन सा कलर देना है उसको, एग्जैक्ट ब्राउन कलर देना है। उससे क्या होगा गाइस, वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगेगा। और ब्राउन कलर से ऐसा होगा कि ग्रूडॉन का थीम कलर ब्राउन है, जैसे कि वो ग्राउंड टाइप है तो ब्राउन कलर उसका थीम है। ऐसे ही रॉक टाइप का ग्रे होता है, ग्रास का ग्रीन, और ऐसे ही बहुत सारे टाइप का उनका थीम कलर होता है, आप उसी तरह ऐड कर लीजिए। अगर बात आती है पोकेमॉन मल्टी टाइप है, जैसे वो ग्राउंड टाइप भी है और इसी के साथ इलेक्ट्रिक टाइप भी है, तो आप ग्रेडियंट में इमेज को रखिएगा और ब्राउन और येल्लो का इमेज बनाइएगा। अब जैसे मैंने ब्राउन सेट कर दिया, हो गया। अब आपको क्या करना है, ग्रूडॉन को ऐड कर लेना इसमें। तो मैंने ग्रूडॉन को पकड़ा, आप भी ऐसे कोई भी पोकेमॉन पकड़ सकते हो, वो आपके ऊपर आप कौन सा पकड़ते हो। तो आप उसको ऐसे ही सेट कर लेना, आप उसकी इमेज ऐसे इस तरीके से ऐड करना। उसके बाद उस इमेज को स्ट्रोक दे देना जिससे थोड़ा अच्छा लगेगा और अट्रैक्टिव लगेगा। वंस आप स्ट्रोक दे दें, आपको क्या करना है, इस पोकेमॉन का टाइप उसके बाजू में डालना है। तो ये पोकेमॉन है ग्राउंड टाइप, तो आपको फिर से क्या करना है, उसी डाउनलोड्स के फोल्डर में आ जाना जो मैंने आपको एक्सट्रैक्ट करवाया था। उसमें मैंने आपको टाइप का भी कुछ इमेजेस दिया है जो आपको बहुत ही सिंपल कर देगा बनाना। तो मैं आ गया डाउनलोड्स के फोल्डर में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड टाइप नाम का ये JPG है, मैं इसे ऐड कर लूंगा। और आप देख सकते हैं मैंने इसी तरह ग्राउंड टाइप को भी अपने इसमें ऐड कर लिया। तो कुछ इस तरीके से आप अपना ग्राउंड टाइप पोकेमॉन का टाइप ऐड कर सकते हो, जिससे लोगों को, ऑडियंस को पता चलेगा कि आपका पोकेमॉन कौन सा टाइप का क्या है। अगर आप निकनेम देते हो तो आप इधर नीचे निकनेम भी दे सकते हो, बट इस वक्त मैं उसे नहीं देना पसंद करूंगा। अब आपको क्या करना है, इस इमेज को सेव कर लेना है। गाइस ये स्टेप यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ बाकी है, मैं बता देता हूँ। अब आपको इस इमेज को कैसे अपने लेआउट में ऐड करना है मैं आपको वो बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी लेआउट वाली इमेज सिलेक्ट कर लेनी है जो आपने बैकग्राउंड इरेजर से करने के बाद निकाली थी, ये वाली इमेज एग्जैक्टली ये। तो आप जब इसे निकाल लें तो इसे फुल स्क्रीन कर दें और आप अपना पोकेमॉन इधर ऐड करें। जैसे मेरा ग्रूडॉन ये रहा तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। और आप क्या कीजिएगा, आपको आप ग्रूडॉन जैसे पकड़ो तो आप इसे इस तरीके से ऐड कर लीजिएगा। तो मैं चलिए जरा जूम करके आपको परफेक्टली सेट करके बताता हूँ। तो कुछ इस तरीके से करना और फिर इसको बढ़ा देना। यह गाइस ये परफेक्ट लग रहा है मेरे को, यहाँ पे मैंने इसको कर लिया। अब गाइस क्या होता है कि आप ऐसे अगर पोकेमॉन ऐड करते रहोगे तो आपको फिर इधर एक और प्रॉब्लम फेस करनी होगी। वो होगी प्रॉब्लम कि आपको हर एक जो पोकेमॉन रहेगा वो परफेक्टली जगह पे सेटल नहीं रहेगा, वो थोड़ा इधर उधर रहेगा। तो अगर आपको परफेक्ट 100% परफेक्ट चाहिए तो आप क्या करिएगा, फिर से डाउनलोड्स के फोल्डर में आ जाइएगा और ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम जैसे थोड़ा हार्ड लग रहा होगा
बट एक बार आप करने लगोगे तो आपको आसान लगेगा। आपको क्या करना है, जो आपने सेक्शन ऐड किया था उसको वापस से ऐड कर लेना है। एंड वंस आप इसे ऐड कर लो, इसकी रिलेटिव पोजीशन बढ़ा देनी है, उसको उतना ही स्ट्रोक दे देना जितना आपने इसको पिछली बार दिया था। जैसे मैंने तो टू टाइप में दिया था, तो मैं ब्लैक कलर इसको दे देता हूँ। ये वंस एक बार हो जाए आपको इसकी पोजीशन वापस से चेंज कर देनी है। तो इसकी पोजीशन थी कुछ इधर, और अब आप देख सकते हो सारे वो लग रहा है एकदम परफेक्ट अपनी फ्रेम में आ गए। अब आप देख सकते हो परफेक्टली फ्रेम में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अब आप कोई भी पोकेमॉन पकड़ोगे तो आप उसको इसी तरह ऐड कर पाओगे। आपको क्या करना है, इस इमेज को सेव कर लेना है, और गाइज यहीं पे आपका लेआउट कम्प्लीटली बन जाता है। होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप लाइक छोड़ के जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।